ये हम लोगों का तीसरा स्पॉट है शिव जी का मंदिर। अभी मैं आ पहुंचा हूँ, ये हम लोगों का तीसरा स्पॉट है। ये प्रभु जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के टाइम में इस जगह पे आते हैं, ऐसा ऑटो वाला बोले हम लोगों को। ठीक है, अभी जाके देखते हैं। ये वो जगह है। अभी लोकल लोगों से पता चला ये जगन्नाथ जी के बुआ का घर है। अभी हम लोग पहुंच गए जगन्नाथ देव जी के मासीर बाड़ी। ये मेरे पीछे है, अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते तो इसलिए मैं बाहर से ही दिखा देता हूँ। देखिए, ये जगन्नाथ जी के मौसी है। ये मौसी 70 साल से यहाँ पे बैठे हुआ है, ऐसा माँ का कहना है कि मैं जब बचपन में आया था माँ के साथ तब भी यहीं पे बैठा हुआ था और ऐसे ही उसका उम्र था, अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ है। तो ये तो एक करिश्मा है। अभी मैं पहुँच गया बेदी हनुमान टेंपल पे। यह बेदी हनुमान जी के टेंपल मेन गेट है। एंट्री फीस है 5 रुपए का। और ये है, यहाँ पे एंट्री टिकट काट के हम लोग आ गए।
देवी हनुमान जी की दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग पहुंच गए सोनार गौरांगो टेंपल पे। अंदर में वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर में वीडियोग्राफी नहीं कर पाया। अंदर में एक सोने का गौरांगो है, सोनार गौरांगो इस बिल्डिंग के अंदर है। और ये वाला जो घर है देखिए, एकदम पुराने ज़माने का, जो ज़मींदारों का बारी होता है वैसा ही लग रहा है। ये आगे सुभद्रा जी की मंदिर है। यह है सुभद्रा जी की मंदिर, दिखने में एकदम पुराने ज़माने के राजमहल जैसे है। राजमहल नहीं, जो ज़मींदारों का जो बाड़ी होता था, जमींदार बाड़ी वैसा है देखने में। अभी आगे एक और मंदिर है, नदिया का गौरांगो।